अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त कनाडा में हैं और दिसंबर का महीना है। आज हम आपको फ्रूट चाट बनाना सिखाएंगे। उससे पहले सोचा कि थोड़ा बाहर का मौसम आपको दिखा दें कैसा है। ये देखिए, ये बाहर का आज मौसम है। फ्रूट चाट के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। हमारे पास पियर है, कुछ हमने अंगूर लिए हैं, सेब है जो हमने काट लिया हुआ है जिससे छिलका छिलकी के साथ फ्रूट चाट में सेब अच्छा नहीं लगता ज़्यादातर, और कुछ केले हैं, लेमन का जूस है, थोड़ा सा ऑरेंज जूस चलेगा इसमें, और उसके बाद हमारे पास चाट मसाला है। तो आए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सेब को लिया है और इसको मैं छोटे छोटे पीसीस में काट रहा हूँ। सेब का जो पीस है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए जब आप अपनी फ्रूट चाट बना रहे हैं, क्योंकि वो जितना छोटे साइज का होगा उतना ही वो टेस्टी भी हो जाता है फ्रूट चाट में और उसका मज़ा भी आता होता है। अभी ये देखिए, मैं इसको काट रहा हूँ। बिल्कुल छोटा साइज जो है ये काटना है आपने। ये देखिए, अगर आप बता सकें यहाँ से बिल्कुल उतना बारीक आप तरह ही बारीक करते हुए इसका गले काटा है। इसके बाद नाशपाती है, नाशपाती का इसका छिलका जो है मैं नहीं खा रहा। आप बिल्कुल मजीद अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग। वो ज़्यादा सीज जो है फ्रूट चाट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको सेब ज़्यादा पसंद है तो आप सेब डाल सकते हैं, केले ज़्यादा पसंद है तो केले ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जो नाशपाती है इसको भी इसी तरह ही हमने बारीक करना है। एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, आपने चाहे सब्ज़ी आप कहीं से भी लें, फल वगैरह जो भी काटते हैं आजकल ख़ासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से, उसको अच्छी तरह से पानी के साथ आप धो लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कि अच्छी तरह से धुल चुका है, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल में लेके आइए। और जितने भी यहाँ पर आप फल देख रहे हैं केलों के अलावा, उन तमाम को अच्छी तरह से धोया जा चुका है। उसके बाद हमारे पास अंगूर हैं, मैंने थोड़े से अंगूर लिए हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये जो हम अभी फ्रूट चाट बना रहे हैं इसकी क्वांटिटीज हैं, ये तकरीबन 2 लोगों की काफ़ी है।
तमाम अंगूर जो है अब अंगूर में ये है कि आपने दो हिस्सों में काटे जब खाते हुए जो है अंगूर जो है वो हिस्सों में आपके आए केले जो है ना आपने बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटने बहुत ज़्यादा क्योंकि केले जो है वो फिर ख़राब हो जाते हैं और वो टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें थोड़े से मोटे साइज में आप केले काटें क्योंकि केले जो है वो बाद में खुद ब खुद नरम होकर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं अपने। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम आपकी मर्जी है अगर आप एक केला करते हैं यूज़ तो एक केला इस्तेमाल कर लीजिए, हम इसमें दो को पसंद करते हैं हम एक और केला। थोड़ा सा खराब हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे। उसी तरह कोशिश करनी है आपको बहुत ज़्यादा बारीक ना हो केला तो ख़राब हो सकता है अगर ये हमारी। अब हमारा अगला मरला है हल्का सा, हमने इसमें लेमन जूस जो है हल्का सा सॉरी ऑरेंज का जो जूस है वो हल्का सा हमने इसमें स्प्रिंकल किया है और लेमन का जो जूस है उसको भी डाल दें। बहुत ज़्यादा लेमन का जूस आपने नहीं डालना नहीं तो आपके गले में खटास पैदा करेगा गला खराब हो सकता है। वैसे ही आज अब हमारे पास शान का चाट मसाला है जी और इसको भी हसबे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं, जूस चाट में अगर चाट मसाला ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी पसंद करते हैं। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। कुछ लोग क्रीम डालना पसंद करते हैं फ्रूट चाट में, अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो लेमन जूस जो है या ऑरेंज का जूस वो नहीं डलेगा फ्रूट चाट में, उसकी वजह ये है कि जो क्रीम होती है वो एक तरह का दूध है और अगर आप उसके साथ खटास लगा देंगे लेमन की या ऑरेंज की तो वो उसी वक्त खराब हो जाएगी। ये लीजिए ये आपकी फ्रूट चाट हमारी अब रेडी हो गई है और आपको ट्राई कीजिएगा घर पे, कोशिश कीजिए कि इसको आप कोशिश करें बनाने की और खुदा करे कि आपकी बड़ी अच्छी बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।